जी तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको दीवार पर पैच करना हो तो आप किस तरह से कर सकते हैं। जी तो मैं इस पैच को करने के लिए इस शीट का इस्तेमाल करूंगा। ये 3 पैक में मिलती है, इसमें 3 तरह के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, तो आप अपने जो है पैच के हिसाब से या एरिया के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे छोटा जो वो पैच होता है वो 3 इंच का होता है, तो मैंने क्या किया, मैंने उस 3 इंच के पैच को थोड़ा सा काट लिया जितनी मुझे ज़रूरत है। ये बेसिकली 2 तरह की जालियाँ होती हैं, एक फैब्रिक की जाली होती है और इसके साथ जो है वो मेटल की जाली होती है, तो ये आपस में किसी ग्लू के साथ जुड़ी होती हैं। क्योंकि इन पर ग्लू लगा होता है तो जैसे ही आप इसको दीवार पर रखकर या पैच पर रखकर प्रेस करते हैं तो ये अपने आप ही जुड़ जाती है। इसको जोड़ने के बाद आपने सबसे पहले जो चीज़ का इस्तेमाल करना है वो करना है जॉइंट कंपाउंड, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको दिखाया था, जो हम लोग क्रैक को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने 4 या 5 इंच की पट्टी नाइफ लेकर उससे ये जॉइंट कंपाउंड जो है वो आपने पैच के ऊपर लगा देनी है, और लगाने के बाद आपने इसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो अगर तो आपको इसको जल्दी करना है जैसा कि मैंने करना है, मैं इसके लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करूंगा। उससे ये है कि ये जल्दी ड्राई हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर सेकेंड कोट भी हमने जो है वो जॉइंट कंपाउंड का ही करना है ताकि ये स्मूथ हो जाए। आपने कोई सा भी हेयर ड्रायर लेकर उसको हॉट पोजीशन पर करके जो है इसकी एयर का फ्लो हाई कर लेना है, और इस पैच को तकरीबन 3, 4 या 5 मिनट तक आपने इसको इससे ड्राई करना है। जब आपका पैच 90% ड्राई हो जाए, जैसा कि मेरा हो गया है, आपने इसके ऊपर स्किम कोट कर देना है। स्किम कोट बेसिकली कहते हैं कि अगर आप ड्राई वाल के ऊपर 1 से ज़्यादा कोट लगाएँ, और कोट लगाने की वजह से जो है सरफेस वो स्मूथ हो जाए, तो उसको स्किम कोट कहा जाता है। लें जी, मैंने जॉइंट कंपाउंड का सेकंड कोट लगा दिया है, इसको स्किम कर दिया है। इसके बाद मैंने फिर दोबारा से हेयर ड्रायर लेकर और इसको हाई पोजीशन पर रखकर इसको 5 से 6 मिनट तक इसको ड्राई करना है, और इसके बाद आपने इसको सैंड करना शुरू कर देना है। सैंड करने के लिए सबसे आसान और अच्छा तरीका ये होता है कि आप कोई भी शॉप वैक या वैक्यूम क्लीनर ले लें और उसके जो है वो पाइप को उस जगह के नज़दीक रख दें जहाँ पर आपने सैंडिंग करनी है। तो इससे ये होगा कि जैसे जैसे आप सैंडिंग करेंगे, जो भी इससे डस्ट निकलेगी सैंडिंग के दौरान, वो मशीन अपने अंदर खींच लेगी। जैसे कि ये मैंने पाइप इसके नज़दीक रख दिया है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इतनी ज़्यादा सैंडिंग की है मगर उसके बावजूद भी आपको फ्लोर के ऊपर किसी किस्म की डस्ट नज़र नहीं आएगी। इसके सैंडिंग के लिए मैं 120 सैंड पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे ही आपकी सैंडिंग कंप्लीट हो जाए, आपने इसको किसी भी कपड़े के साथ या क्लीनिंग ब्रश के साथ आपने इसको क्लीन करके इसके ऊपर पेंट कर देना है। और ये देखें, आपको फ्लोर पर किसी किस्म की डस्ट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि शॉप वैक की वजह से सारी डस्ट जो है वो मशीन के अंदर चली गई है। ले जी, पहला कोट जो पेंट का है वो हमने शुरू कर दिया है। हमने इसको ब्रश के साथ कटिंग करके और इसके ऊपर पेंट लगाकर इसके ऊपर हमने रूले का इस्तेमाल करना है। रूले का इस्तेमाल से ये होगा कि क्योंकि ये टचअप है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसका जो है टेक्चर वो सेम वही टेक्चर हो जो कि बाकी वाल पर है, और इसको करने के लिए आपको रूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
जैसे ही आपका पेंट ड्राई हो जाए आपने इसके ऊपर दूसरा कोट भी कर देना है, और जो कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपका पेंट ड्राई हो जाएगा। अगर आपको जल्दी करना है तो आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करके पेंट को जल्दी ड्राई कर सकते हैं। जी तो इसी के साथ जो है वो वॉल बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो आप भी अपने घर में या किसी भी जॉब पर आप इसको इसी तरह से कर सकते हैं और आपका रिज़ल्ट भी 100% ही आएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप मुझसे कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।